हेलो एवरीवन, मैं खुशबू तिवारी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो आर ओ आर ओ को लेकर के जो आपको करंट अफेयर की डाउट हो रहा है ना, वो मैं सॉल्व करने आई हूँ और मैं बताने आई हूँ कि आप अपना जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको अब कहाँ से कर लें, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया है कि आपको किस किस चीज़ों पर या किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ देना है। उसी में आपका एक करंट अफेयर भी बहुत अहम रोल निभा रहा है आपके इस पेपर में। तो करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ें, कितने दिन तक पढ़ लें और अब क्या पढ़ लें। अब जैसे कि फरवरी में आपका पेपर है, ठीक, पेपर टलने वाला है, नहीं बस उसी 11 फरवरी को ही होने वाला है पेपर, तो अब क्या पढ़ लें। अब यही सवाल है कि अब ऐसा क्या पढ़ लें। देखो, 7 जनवरी या मतलब जनवरी के पहले सप्ताह में एक आती है घटना सार, पूरे साल की आती है। जैसे 6 महीने की आती है, मैंने आपको पहले बताया था, वैसे पूरे साल की आती है, ठीक है? साथ ही आई दृष्टि, एक आंख बनी होती है, वो दृष्टि की किताब होती है, वो आंख बनी होती है, तो ई दृष्टि कहते हैं या फिर उसे आई दृष्टि नाम से भी वो फेमस है, तो आंख बनी होती बड़ी बड़ी, ठीक है? तो वो दो किताब आपको मिलेगी मार्केट में, और भी बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, बट जो एग्जाम्स में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। और इस पे तो मैं 101% मैं दावा कर सकती हूँ कि आप अगर इसे बार बार पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। ये ना होगा कि हाँ 10-15 क्वेश्चन आए करंट से आपके, तो आपके 4-5 नहीं फंसे, 6-7 नहीं फंसे, ऐसा कुछ नहीं होना। अच्छा खासा आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो आपको वही करंट अफेयर का अभी जनवरी थोड़ा वेट कर लो, जनवरी में पहले वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो घटना सार आती है वो ले लेना और आई दृष्टि ले लेना, ये दो किताब आप बार 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 रट लेना, और बस आपको अब यही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्ट है आपको पढ़ने में, तो आप क्या करें कि कोई 6 मंथ की घटना सार अगर आपको मिल रही है पीडीएफ वगैरह, तो आप पढ़ लो। टेलीग्राम पर घटना सार पीडीएफ वगैरह मिल रही है तो ठीक है, पढ़ लो आप। और नहीं तो आप क्या करो कि ये क्रॉनिकल पतली पतली आती है, 2-4 महीने पिछले 6 महीने का पढ़ लो, ठीक। और मैं कहती हूँ कि जब आप घटना सार आई दृष्टि पढ़ेंगे या करंट अफेयर को कितने महीने तक ध्यान दें, देखो 6-7 महीने तो आप बिल्कुल रट लेना, ठीक है, रट लेना। और 6-7 महीने जब आपके रट जाए तो पिछला पढ़ लेना, अगर ना रट जाए तो पहले 6-7 महीने का आप रट लो, उसके बाद फिर आप पिछला पढ़ो, ठीक है, 7-8 महीने का, 9 महीने का, फिर पिछला बाद में पढ़ो, लेकिन 6-7 महीना, 7 महीना तो आप बस लकीर खींच लो कि उससे आपको कम नहीं पढ़ना, ठीक है? तो ये आपका करंट अफेयर का हो गया, आपको पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है। और इसके सिवाय और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है, यही सब करते हैं, यही हम भी करते हैं, यही आप भी करना। देखो, फेल तो होना नहीं है, हर कोई पढ़ता है, अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे फेल नहीं होना है। तो जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें सिलेक्ट करवाती हैं, वही हम आपको बताते हैं। और हमारा पीसीएस का रिजल्ट, तो चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।